खबर थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा परसोहिया के राजस्व गांव महुआ बीते दिन जमीनी रास्ते को लेकर ग्रामीण पूर्व प्रधान द्वारा गांव कई परिवारों का रास्ता जो सालों से चल रहा था जबरिया बंद कर मजबूरन पीड़ित परिवार द्वारा ग्राम सभा के राजस्व जमीन से होकर निकल रहे थे, ये भी दबंग प्रधान द्वारा जेसीबी से खुदवा दिया। रास्ते के बवाल को देखते ही देखते 55 साल बुजुर्ग महिला की रास्ते के सदमे में आकर मौत हो गई। आहत परिवारों ने रास्ता न होने के कारण गाँव में घर शव घर पर जलाने की योजना बनाई। सूचना मिलते ही तहसीलदार नौकड़ ने पहुंचकर पुराने रास्ते को खुलवाने की बात कही और अवरुद्ध रास्ते पर कार्रवाई करने की बात कही। ग्रामीणों ने 70 साल पुराने रास्ते को बंद करने के पूर्व प्रधान पारस सहित उनके बहियों पर आरोप लगाया है, जिसकी पूर्व में इस मामले की समझौता किया जा चुका है। आबादी और बाघ का मामला है, खलियान है, रास्ते का मामला था। इनके वहाँ एक बुजुर्ग महिला इनका देहांत हो गया है, तो ये कह रहे थे कि बहुत दिनों से रास्ते का विवाद चला रहा है और आपस में लोग समझौता किए थे, लेकिन रास्ता इनका अभी तो बंद दिख रहा था और जो यहाँ खलिहान है उसमें भी कुछ लोग इसको खन के इसका रूप बदलने का प्रयास किए हैं। इनको कहा गया कि खलिहान के रास्ते अभी आए हैं और जो पहले रास्ता परंपरागत चल रहा था उसके लिए फिर आगे देखा जाएगा, नियमानुसार जो होगा उसको कराया जाएगा। जो ये खोदा गया इस पर लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जांच का विषय है कौन खोदा है, कैसे खोदा है, क्या है। यदि गलत खोदा गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाँव वालों का कहना कि पूर्व प्रधान की करतूत है, ये तो अभी संज्ञान में मेरे नहीं आया है कि किसका करतूत है, लेकिन जो भी किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। संवाददाता तौहीद खान की रिपोर्ट।